तीसरे चरण की वोटिंग जारी, पीएम मोदी ने डाला वोट, देशवासियों से की भारी संख्या में मतदान की अपील। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी, मैनपुरी में ईवीएम मशीन हुई खराब। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में नामांकन प्रक्रिया समाप्त, कुल 269 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। अमित शाह ने डाला वोट, बंगाल में तीसरे चरण में भी हिंसा, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता के घर पर क्रूड बम से हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खरगोन में करेंगे सभाएं, धार में भी गरजेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार तेज, झारखंड में राहुल गांधी करेंगे रैलियां। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर के निजी सचिव और करोड़पति नौकर को किया गिरफ्तार, 35 करोड़ किए थे जब्त। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले में सुनवाई। पिता मुख्तार अंसारी के 40वें में शामिल होने के लिए अब्बास ने मांगी अंतरिम जमानत, आज अदालत सुनाएगी फैसला। आज जारी होगा हिमाचल प्रदेश 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, अधिकारी ने दी जानकारी। ब्रिटेन के सैन्य कर्मियों का डेटा लीक, नाम और बैंक डिटेल्स के साथ हुई छेड़छाड़। फिलिस्तीनियों को अल्टीमेटम देने के बाद इसराइल का राफा पर ताबड़तोड़ हमला, विस्फोटों की दूर तक गूंजी आवाज। स्तन कैंसर कार्यकर्ता क्रिस हालेंगा का 38 साल की उम्र में निधन, आखिरी सांस तक लाखों महिलाओं को किया जागरूक। अंतरिक्ष में आज तीसरी बार उड़ान भरेंगी भारतवंशी सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में बिताएंगी पूरे 8 दिन। तुर्की की इराक में बड़ी कार्रवाई, हवाई हमले में 16 देशद्रोहियों की ली जान, यूएन सहित कई संगठनों ने घोषित किया है देशद्रोही संगठन। एमिरेट्स का A350 विमान जल्द शुरू करेगा हवाई सफर, एयरलाइन ने दी नेटवर्क में शामिल होने वाले डेस्टिनेशन की जानकारी। एक SMS से मिल जाएगी वोटर आईडी कार्ड की सारी डिटेल, पोलिंग बूथ से लेकर वोटर स्लिप की मिलेगी जानकारी। नई सरकार के गठन से पहले ही इंडिया रेटिंग्स ने बढ़ाया विकास दर का अनुमान, RBI से भी ज्यादा है आंकड़ा। RBI के प्रस्तावित नियमों का खौफ, धड़ाम हुए पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक के शेयर। दिल्ली में धड़ाधड़ कट रहे चालान, 4 महीने में 30,000 से ज्यादा वाहनों पर हुई कार्रवाई। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका।